इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र आज अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है और यह विकास कार्य संभव हो सकता है विधायक शिव चरण गोयल व उनके कार्यकर्ताओं की बदौलत। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक प्रमुख कार्यकर्ता जो कि वार्ड नंबर 100 से निगम पार्षद चुनाव के प्रमुख प्रत्याशी के रूप में सामने आ रही हैं, कामना सूत्रा ने सुदर्शन पार्क में महिलाओं को एकत्रित कर पार्टी के कार्यों के बारे में बताया, साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। हमारे संवाददाता ने जब बात की इस मीटिंग के उद्देश्य के बारे में तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम हमारी बात और मैं हूं आपके साथ मानसी और एक बार हमारे साथ फिर से हैं कामना सूत्रा जी। तो आइए बात करते हैं। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मैं बात करना चाहूंगी आज की जो मीटिंग रही है वो किस चीज़ को लेकर रखी गई है मीटिंग, उसके बारे में जानना चाहूंगी। मीटिंग जो आज हमारी रखी गई है विधायक शिवचंद गोयल जी के 7 साल पूरे हुए उनके कार्यशैली के और वो हम लोगों ने जब BJP सरकार यहाँ पर थी उनका जो गढ़ रहा आम आदमी पार्टी जब से आई 7 साल में अपने उन्होंने झंडे हमेशा ऊपर उन्होंने फतेह रखी है और हम लोग आने वाले समय में भी फतेह करेंगे। जो कि उनके कार्य रहे हैं वो हर एक कार्यकर्ताओं ने अपने एक एक घर घर जा जा के लोगों के पास पहुंचाए हैं और ये जनता बखूबी जानती है और जनता हमारे को हर 7 साल के अंदर 2 बार इलेक्शन हुए उन्होंने जिताया है, विधायक शिवचरण गोयल जी का नाम किया, उनके कामों को उन्होंने बढ़ाया है, उनका नाम देखा है और यही आने वाले समय में उनका कार्यशैली रहेगी आगे भी। जी मैम मैं अब बात करूंगी जैसे जो हमारी महिलाएं हैं कहीं ना कहीं आपको कई मतलब देखा जा रहा है कई महिलाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, ज़्यादातर महिलाओं की संख्या है सपोर्ट जो कर रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा नेचर होता है, प्रत्याशी अपने रूप से जाना जाता है, अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने कार्यशैलियों से जाना जाता है। मैं एज अ संगठन मंत्री रही और हर एक संगठन को अपने साथ लेकर बैठना उठना हम लोगों ने काम किए, काफ़ी छोटी छोटी दिक्कतों के साथ कार्यकर्ताओं के घर पे जाके चाय पीना, बैठना, गुफ्तगू करना, प्यार से उनको चलाना, ये हमारे कार्य में रहे हैं और एज अ महिला होने के नाते मैंने पूरी कोशिश करी है कि महिलाओं को साथ जोड़ा जाए। बहुत हमारे संगठन में और भी महिलाएँ हैं जो हम उन लोगों के साथ मीटिंग कर करके महिलाओं को जोड़ रहे हैं और आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। वही कामना सूत्रा उनके प्रयास से क्षेत्रवासियों को भी काफी सहूलियत मिली, आइए सुनते हैं कामना सूत्रा को लेकर क्या कहना है क्षेत्रवासियों का। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम ज्योति भारद्वाज है। जी मैम जैसे जो यहाँ के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं आपके वार्ड में और अब एक युवा चेहरा सामने आ रहा है, एक महिला चेहरा कह सकते हैं, तो उनको उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए पहले तो मैं शिवचरण गोयल जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि वे बहुत ज़्यादा ईमानदार और पॉजिटिव नेचर वाले हैं और कार्य तो उन्होंने जो किए हैं वो तो सबके सामने ही हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि पानी का, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह पे उन्होंने अपना योगदान दिया है। और रही कामना सूत्रा जी की बात, देखिए सबसे पहली बात तो है वो महिला हैं और दूसरी बात यंग हैं और हमें उनसे, मैं इतनी उम्र में हो गई हूँ उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिल रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं उनको एक्टिवली हर जगह पर काम करते हुए देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि, और सबसे बड़ी बात है हम तो नए थे और नयों को साथ में लेके जोड़ना ये सबसे बड़ी बात होती है और मैं चाहती हूँ कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनु मोंगिया है और मैं मोतीनगर विधानसभा की महिला संगठन मंत्री भी हूँ। मैम अब मैं बात करूँगी जैसे जो हमारे विधायक जी हैं शिवचरण गोयल जी उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छे कार्य हैं जो वार्ड में किए हुए हैं जो कि सराहनीय है और अब एक युवा चेहरा सामने आ रहा है, कह सकते हैं एक महिला जो एनर्जी से भरी हुई सामने आ रही हैं जो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए पहले सबसे पहले तो मैं अपने विधायक जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मैं उनके साथ 8 साल से जुड़ी हुई हूँ और सारे हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और शायद से हम लोग उनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रेरणा लेते हैं। और अब कामना की बात करना चाहूँगी, कामना को मैंने शुरू से अपने साथ देखा है और नए हों या पुराने हों कोई भी कार्यकर्ता उनको सबको साथ लेके चलना, उन सबके साथ बैठना और उन सबके साथ मिलके काम करना, उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो नया है
या वो पुराना है, ज़्यादा है, कम है, ऐसा कभी भी नहीं। हम सब ने एक साथ मिलकर काम किया है और हम चाहते हैं कि अगर ये मौका एक महिला को मिला है तो कामना को ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए और उसको आगे आना चाहिए। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, साथ ही साथ जो यहाँ के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी, और एक युवा चेहरा सामने आ रहा है जो कि कामना सोत्रा जी का है, एक महिला है, तो उन दोनों की दावेदारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं संध्या अरोड़ा वार्ड 100 से। शिवचरण गोयल जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मोतीनगर विधानसभा में उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे मेन कार्य जो उन्होंने मोतीनगर में महिलाओं के लिए किया वो था पानी की समस्या। यहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी जिसको शिवचरण जी ने अपनी सरकार आने के बाद दूर करा और घर घर पानी पहुँचाया। अब वो दावेदारी महिलाओं के लिए MCD में आई हैं। MCD में मौका मिला इस बार महिलाओं को, और जिसमें सबसे पुरानी अगर कार्यकर्ता देखी जाए तो वो कामना सोत्रा जी हैं, जो अन्ना हजारे जी के टाइम से पार्टी से जुड़ी हैं और पार्टी को बहुत अच्छे से जानती हैं कि पार्टी में कैसे कार्य को किया जाए, कैसे कार्य को आगे ले जाया जाए, महिलाओं का उद्धार कैसे किया जाए, बिकॉज वो स्टार्टिंग से जुड़ी हैं। जो लोग नए आते हैं उनको समस्याएं इतनी जल्दी पता नहीं लगेंगी जितनी पुराने लोगों को शुरू से और आखिर तक समस्याओं के बारे में ज्ञान है। इसलिए मेरा सपोर्ट तो कामना जी के साथ है। आप सभी यहाँ पर पधारे हुए माननीय आप सभी पब्लिक, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ और बबीता दीदी को सबसे पहले कि उन्होंने इतना सहयोग किया, आज हम लोग आपके साथ मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ, ये नारा इसीलिए लगाया क्योंकि मैं जब पार्टी के अंदर 9 साल पहले आई थी ये नारे ही थे और टोपी मैं एक लड़की पहन के पूरे वार्ड में घूमा करती थी, चंद हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे। जब आम आदमी पार्टी को कोई भी हम बात करने के लिए जाते थे, अरे चलो चलो, क्योंकि ये BJP का गढ़ था और हमने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पिछले इतने सालों से जितने प्रयत्न किए हैं वो आज आम आदमी पार्टी की सरकार और सबसे बड़ा हमारे विधायक शिवचरण गोयल जी के 7 साल के जो भी काम हुए हैं आज सब पब्लिक जान रही है, और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं ताकि MCD के अंदर जो आज की भ्रष्ट सरकार BJP ने अपना हाथ रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने पे लेकर आए और हम फतेह करें, जैसा कि आम आदमी पार्टी सरकार मोतीनगर विधानसभा में अपने झंडे लहरा रही है वैसे ही MCD के अंदर हम फतेह कर सके। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं इसके लिए धन्यवाद, और मैं अपने जितने भी अपने सहयोगी हैं अनु मोंगिया जी, संध्या बहन, महेश शर्मा जी और लकी भाई, हमारे बीच में हमारे भाई विजय बब्बर जी थे जो कि आपके खुद के ही एरिया से हैं, ये सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पार्टी को शुरू से लेकर साथ चले हैं और आने वाले समय में भी हर एक के साथ रहेंगे। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है। सर जैसे आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं आप पार्टी से और अनुभव रखते हैं, तो आप जो शिवचरण गोयल जी हैं उनके कई सारे कार्य हैं जो वार्ड में किए गए हैं, उनके अच्छे अच्छे कार्य हैं, और अब एक युवा जनरेशन से एक लड़की सामने आ रही है कामना सोत्रा जी, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि विधायक जी ने हमारे पिछले 7 साल में बहुत काम किए हैं। स्कूल बने हैं हमारे यहाँ और अस्पताल बनाए हैं, सड़कें पे भी उन्होंने जोर दिया है और पानी के लिए तो बेहतरीन काम किया है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक महिला सीट हुई है ये वार्ड की, तो इसमें हम चाहेंगे कि जो हमारे सबसे पुराने और जुझारू और युवा लोग हैं वो सामने आए, जिसमें कि कामना सोत्रा को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि वो शुरू से जुड़ी रही हैं और अच्छी प्रत्याशी हो सकती हैं जी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैडम मेरा नाम विजय बब्बर है और मैं बाई बर्थ से सुदर्शन पार्क में हूँ और मोतीनगर विधानसभा से वार्ड 100 यूथ सचिव हूँ जी। सर अब मैं बात करूँगी, जैसे जो हमारे विधायक जी हैं शिवचरण गोयल जी, उन्होंने कई ऐसे कार्य हैं जो किए हैं जो कि सराहनीय है, और अब एक युवा चेहरा सामने आ रहा है महिला का, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैडम हमारे विधायक जी हैं उनके बारे में तो
मतलब एक गिनती होती है ना, तो गिनती नहीं है। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, हॉस्पिटल से लेके शिक्षा से लेके हर कार्य उन्होंने किए। और सबसे बड़ी उनकी जो बात है ना कि उनके ऑफिस में आज तक भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टी का हो या पार्टी का ना हो या अदर किसी पार्टी का हो, वो निराश नहीं आया, उसके सभी कार्य हुए हैं जी। और हमारे यहाँ पे जो अब लेट सीट जो है वो लेडीज़ हुई है, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पुरानी जो कार्यकर्ता जो हैं हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, वो कामना जी हैं। वो पार्टी में शुरू से हैं, लॉकडाउन में भी उन्होंने लोगों की खूब सेवा की है हमारे साथ, जबकि कोरोना में लोग सब अपने घर में थे, कोई घर से नहीं निकलता था, लेकिन कामना जी ने हमारे साथ मिलकर खूब सेवा की है। हम कामना जी के साथ चले हैं और कामना जी एक ईमानदार जो हैं वो लेडी हैं। हमारे जो CM हैं केजरीवाल जी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो अपना जो सीट देंगे, जो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको देंगे। और हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता जो हैं इस पार्टी में मोतीनगर विधानसभा से कामना जी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार जो है और हमारे विधायक शिवचरण गोयल जी जो हैं, एक बार कामना जी को जरूर मौका दे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और साथ ही साथ शिवचरण गोयल जी और कामना सोत्रा जी को आप कितना सपोर्ट करते हैं? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारे विधायक जी शिवचरण गोयल जी को, 7 साल पूरे हुए होंगे और हम लोग बहुत ही मतलब अपने आप को एक भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसा विधायक मिला जिसने हमारे लिए बहुत काम करे। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने सामने हमारी झुग्गियाँ हैं वहाँ गया, उनसे बात करी, उनके मुँह से उनकी तारीफ सुनकर मेरा मतलब दिल बहुत खुश हुआ। मैंने उनके काम देख के ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। और जहाँ तक कामना जी है, उनका यंगस्टर है, उनको देखते ही मतलब मैंने उनको ज्वाइन किया है कि उनका काम बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि जब मैंने उनको कॉल किया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है। आचार्य भिक्षु में जब भी मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ी किसी की हेल्प के लिए, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उन्होंने मतलब कभी डिले नहीं करा किसी काम को। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम पर तो उनको साथ चाहिए, तो हम तो उनके साथ हैं। आप पार्टी लगातार जिस तरह से अपना परचम फहरा रही है, हाल ही में पंजाब चुनाव को लेकर क्या कहा कामना ने, आइए सुनते हैं। मैम, मैं अब बात करूंगी, जैसे जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और आप पार्टी की पूरी कोशिश है पंजाब में आप पार्टी ही आए, तो उस पर आप क्या कहेंगी? जैसा कि हम पिछले 1 साल से विधायक शिवचरण गोयल जी को भी देख रहे हैं, वो अपना समय अपना मोतीनगर विधानसभा के साथ साथ वो पंजाब की भी कार्यशैली में दे रहे हैं और हमें पूरी तरह से हम इसमें कंफर्म हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे वहाँ पे कैंडिडेट्स लिए गए हैं, कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, उन्होंने काम पहले भी किए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की आँखें कभी गलत नहीं होती अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और शिवचरण गोयल जी भी वहाँ पे अपना पूरा समय दे रहे हैं और हम मुझे पूरा श्योर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।